दोनों का काम हो चुका है। कोई टॉपिक इस समय जो आपको बहुत पसंद आ रहा हो ट्रेड लेने के लिए? नीरज जी, देखिए दो काउंटर मुझे आज अच्छे लग रहे हैं, और सुबह मैंने सुबह सवानों के शो पे दिए भी थे। उसमें से एक जो है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है कि एक्साइड में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट, जिसका टारगेट 350 प्लस का होगा। और ये जो कॉल है हमने हमें क्लाइंट के साथ भी शेयर किया हुआ है। एट द सेम टाइम नीरज जी, थोड़ा एक कॉन्ट्रा हम लोग बेट ले रहे हैं आईटी पे। आईटी मुझे लगता है यहाँ पे एक बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटी है, जो हम कहते हैं कि बाय ऑन डिप करे, बाय ऑन करेक्शन करे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि टेक महिंद्रा एट दिस लेवल थोड़ा बेटर लगता है। 200 डे में के आसपास है, और मुझे लगता है कि ये शुरू की जो बिकवाली थी, प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके बाद ये फिर से खुद को संभालेगा। इवेंचुअली इसको 1320 1350 तक जाना है, तो टेक महिंद्रा पे एक नजर रखे। तो पोजिशनली मुझे थोड़ा सा आईटी पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। आईटी भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, टेक महिंद्रा में एक आप कॉल ले सकते हैं लॉन्ग साइड की, अच्छा लग रहा है यहाँ से। चलिए अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल नागपुर से शुभम पूछना चाहते हैं। शुभम जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हेलो। जी शुभम बताइए। हाँ, मेरे पास हैथवे केबल की होल्डिंग थी 9,000 शेयर के। हाँ, उसी के लिए जाना था। मैं अभी रुकना चाहिए या फिर और टारगेट अभी आना बाकी है इसमें, वही पूछना था मेरे को आपसे। जी राजेश जी, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम 9,000 शेयर 1985 पे ले, 2188 पे चल रहा है, क्या राय बनती है इसमें? प्रॉफिट बन रहा है, थोड़ा सा ले लें या अभी रुकें? आई थिंक देखिए नीरज जी, हैथवे का जो टारगेट है, ये एक तो सबसे बड़ी बात है, ये थोड़ा सा लगाड़ स्टॉक है, और बड़ी मशक्कत के बाद इसने अपने 200 डीएमए को सपोर्ट जो है उसको होल्ड किया, और जो प्राइस पैटर्न है यही यही दर्शाता है कि 2100 के 21 रुपए के ऊपर इसमें मुंह आएगा। और ये मुंह कहाँ तक आएगा, तो मुझे लगता है करीबन 24 से 25 रुपए तक का मुंह हैथवे में आना चाहिए। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, तो ये फास्ट मूवर है लेकिन कंसोलिडेशन में है, तो 2100 के ऊपर, 21 रुपए के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप बने रहे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा रहेगा 20 रुपए का, तो थोड़े बड़े स्टॉप लॉस के साथ रहे, 24 24.5 में आपका बिक जाएगा। ओके, 20 रुपये का स्टॉप लॉस, 24 24.5 तक के लक्ष्य इसमें आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें और एक और राय किसी और एनालिस्ट से भी ज़रूर लीजिएगा। अगला सवाल है वी के दीक्षित का, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीक्षित जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। जी सर, मेरे पास में जेके पेपर है। जी कंटिन्यू करिए दीक्षित जी, शायद कट गया उनका लाइन, कट गई, लेकिन उनका सवाल ये है जेके पेपर 370 क्या करना चाहिए? राजेश जी 200 शेयर है 370 के भाव में, आई थिंक उन्हें होल्ड रखना चाहिए। इसका देखिए रेजिस्टेंस जो है वो 380 के आसपास है, हालांकि यहाँ पे अच्छी खासी पिटाई ऑलरेडी ये झेल चुका है। 440 का इसका जो रिसेंट हाई था, वहां से करीबन 320 तक का यहाँ पे फॉल आया, तो ये जो पूरा फॉल है इसको एक रिएक्शन मिलेगा, और इस रिएक्शन का यानी इस रैली का टारगेट बनेगा 380 से लेके 400। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 335 का। 335। ओके, जेके पेपर, इनको प्राइस जो हो रखा है तो ओके okay, चलिए लेवल्स याद रखिएगा दीक्षित जी, अगर आप अभी भी शो से जुड़े हुए मैं देख रहे हैं तो। अगला सवाल है वडोदरा से नरोत्तम का। नरोत्तम जी नमस्कार, पूछिए सवाल सर। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताओ सर सवाल बताओ। मेरा 1650 का इंफोसिस खरीदा हुआ है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, और अभी नया नया माल ए दाम में, अभी का दाम में खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता हूँ एवरेज करने के लिए? राजीव जी, आईटी पे कॉन्ट्रा कॉल क्या आपके इन्फोसिस पे भी है क्या? हालांकि इनका प्राइस काफी ऊपर का है, और भी खरीदना चाहते हैं ये वाला माल। आई थिंक ये लेवल सही होगा नीरज जी। देखिए अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं, तो हम जो ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, कोई भी काउंटर है जो अप ट्रेंड में है, तो देखिए अप ट्रेंड में जब कोई काउंटर अपने नेकलाइन के ऊपर यानी ट्रेंड के ऊपर आके खड़ा होता है, तो वो उसके लिए एक बाय बनता है। तो इन्फोसिस एट दिस लेवल ऑफ 1474 1480, ये वीकली चार्ट पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। हालांकि यहाँ पे ऊपर से थोड़ी बहुत लिक्विडेशन होती है, तो ये जो एग्रेसिव शॉर्ट है यहाँ पे बनते रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली ये कटेगा। मुझे लगता है जितना शॉर्ट है इस लेवल से एक बार के लिए कटेगा, और इवेंचुअली ये 1600 1650 तक जाएगा। तो यस, इन्फोसिस ये हमारा कॉन्ट्रा बाय कॉल में भी इसका इस कॉन्ट्रा बाय में शामिल है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 1440 का, 1440 का स्टॉप लॉस। इसमें बाय करे, पहला रेजिस्टेंस होगा 1550, वो निकल जाए तो 1600 के पार चला जाए।
तो और खरीदारी इसमें की जा सकती है भाई, इसको ले आ सकता है। अच्छा एक सवाल रोहित का है, ये 147 शेयर इन्होंने मान्यवर के यानी वेदांत फैशंस के खरीदे हैं 966 रुपए पर। इनको ऐसा लगता है कि इसकी जो लोअर साइड है वो लिमिटेड है 900 रुपए तक, उससे नीचे नहीं जाएगा, और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये इस साल 1300 रुपए का भाव देखेगा। क्या इनका ये व्यू सही है, और साथ ही ये स्टॉक गिरा क्यों इतना? नहीं, तो कुछ तो न्यूज होगी उसमें लेकिन हम चार्ट पे तो इतना कह सकते हैं कि ऑलरेडी इसमें जितना करेक्शन होना चाहिए था, जितना वीकनेस था वो हो चुका है। और देखिए एज ए कॉन्ट्रा एनालिस्ट मुझे लगता है कि यस दिस इज अ गुड लेवल टू एंटर। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनता है कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में, और जो प्रोजेक्शन है उसका जो टारगेट है मेरा वो रहेगा 1150 का। तो देखिए 1150 के टारगेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। प्रोबेबली इसके लिए आपको वक्त लगेगा एक 4 to 6 मंथ का, लेकिन यस दिस इज अ लेवल जहां पे आपको एक्युमुलेशन करना है, ना कि फ्रेश आप पूरा का पूरा, आपको क्या आप कहते हैं नीरज जी कि आप पूरा खरीदी मत करो, पूरा बाइंग मत करना, थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करो। 900-950 ये एक्युमुलेशन का रेंज होगा, 850 के नीचे या रादर 850 पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करें। तो अगर हम पोजिशनल व्यू लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें बड़ी रेंज पे ध्यान दे रखना पड़ेगा, तो एक्युमुलेशन इज अ बेटर स्ट्रेटेजी। ओके, इस बीच मार्च की सर्विसेज पीएमआई है 60.3 से बढ़कर 61.2, बहुत ही ज़बरदस्त है। कल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई परसों थी, उसमें भी बहुत तेज़ी थी, और अब आपके सामने सर्विसेज पीएमआई भी है, ये भी काफ़ी बढ़ के आई है मंथ ऑन मंथ, यानी मार्च में जो है 61.2 हो गई है, जो कि बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा इकॉनमी में। अगर दोनों वाले जो दो बड़े हिस्से होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग का एक सर्विसेज का, दोनों में अगर परचेज मैनेजर इंडेक्स काफ़ी 60 से ऊपर चल रहा है तो ये दिखाता है कि इस इकॉनमी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत मज़बूत इकॉनमी इस वक्त चल रही, कामकाज वैसा ही चल रहा है, तो ये भी एक अच्छी खबर है मार्केट के लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, राजेंद्र सिंह जयपुर से, बताइए सिंह साहब। हेलो सर, मेरे पास 18,000 यस बैंक है 31.70 रुपए का, सर मैं क्या करूं, इसको होल्ड रखूं या और एवरेज करूं इसका? अरे दादा बहुत ऊपर ले लिया आपने। सर ऊपर ले लिया तो बढ़ रहा था तो उस समय ले लिया। इकट्ठा लिया था कि थोड़े थोड़े करके लिए थे? एक साथ ले लिया सर। सही, एक झटके में 18,000 के का। राजेश जी 18,000 यस बैंक 31.70 रुपए खरीदे, अभी चल रहा है 25.16 रुपए। अच्छा जी, 70 रुपए का भाव चाहिए? देखिए मेरे जी मुझे लगता है ये काउंटर ही ऐसा है, एक तो आप मुझे आपका पैसा दे दो या मेरा पैसा पूरा ले लो, तो ये ट्रेडर के लिए, तो मैं पोजिशनल ट्रेडर के लिए तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। और देखिए यहाँ पे क्लियर वर्डिक्ट था 30-32 में कि दिस इज अ टाइम टू एग्जिट, क्योंकि काउंटर चला भी अच्छा खासा था 8-10 रुपए से लेके, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जितना होना था वो हो चुका। अगर मैं सही हूँ तो करंट लेवल से एक पुल बैक मिलेगा सिर्फ 28 रुपए तक, तो ये एक पुल बैक के लिए अगर आपका प्ले होगा जहाँ पे आपको एग्जिट लेना है तो फिर ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो ये एग्जिट है ना, अवॉइड लिस्ट में है मेरे, तो ये 28 तक का पुल बैक मिलेगा। अगर इस पुल बैक के लिए थोड़ा अगर आप वक्त दे, थोड़ा सा वेट करना चाहे तो 24 का स्टॉप लॉस रखे, लेकिन काउंटर में मुझे लगता है कि उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उससे बहुत सारे अच्छे अच्छे काउंटर भी है ना, वहाँ पे भी हो सकता है। तो फॉर मी दिस इज एन अवॉइड काउंटर, लेकिन आपने चूंकि लिया है 24 का स्टॉप लॉस रखे, 28-30 के रेंज में अगर एग्जिट मिले तो एग्जिट कर ले। थोड़ा और बढ़ाओ ना, 33 तक ले चलो तो निकल जाए। नहीं चलेगा उतना नीरज जी, अरे तो नुकसान, अब 18 दिया 36 मतलब बहुत नुकसान कर देंगे, 50-60 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है नीरज जी, आप भी तो नहीं, हम तो चार्ट देख ही नहीं पाते, चार्ट तो अच्छे से मैं देख ही नहीं पाता, ये तो पता ही नहीं चार्ट कैसे देखते हैं, इसीलिए तो आपकी मदद लेते हैं। नहीं सिंह साहब क्या करेंगे बताइए, कह रहे 28 बहुत खींचा तो 30 तक जाएगा। हाँ बहुत खींचा तो 30 तक जाएगा, 30 तक जाएगा तो सर निकल जाएंगे और क्या करेंगे, कम लॉस पे निकल जाएंगे। अच्छा एक मिनट इसमें रुको ना राजेश जी, इसमें क्या ना बहुत सारे लोग ट्रेड करके पैसा बनाते भी हैं, तो इसकी कोई रेंज है क्या कि यहाँ तक गिरे तो लेना चाहिए, फिर यहाँ तक चले तो बेचना चाहिए? ऐसे कई बार लोग बताते हैं इस रेंज में प्ले करो तो पैसा बनता है, इसमें है कोई रेंज? हाँ देखिए नीरज जी, अगर आप इसका मंथली चार्ट देखते हो तो आप तो क्लैरिटी मिलता है कि दिस इज एन अवॉइड चार्ट। उसके बाद आप वीकली चार्ट पे आते हो तो वीकली चार्ट पे इसका जो सपोर्ट बनता है नीरज जी वो करीबन 20 रुपए के आसपास है, 20 रुपए 30 पैसा टू बी वेरी प्रिसाइज, और 20 रुपए 30 पैसे के बाद इसने जो एक रेंज बनाई वो करीबन 23.5 की बनाई।
23-24 ये इसकी रेंज थी। अगर इस रेंज के पार चला जाता है और इस रेंज को ये रिस्पेक्ट करता है तो 28.5 से लेके 30 ये इसकी रेंज है। अगर 28.5-30 इस रेंज के परे चला जाएगा तब जाके मैं कहूंगा कि ये करीबन 33-35 को हिट करेगा। तो ये इसके आप कह सकते कि दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स, दीज आर डिफरेंट लेवल्स इन यस बैंक। थोड़ा कन्विक्शन मेरा इसमें कम रहता है और इसलिए मैं इसमें हमेशा वर्ड की ही सलाह देता हूँ। ठीक है राजेंद्र जी, चलता है तो अच्छा चलता है। 28-29 तक की अगर पहुंचे तो आप एक बार फिर से हम लोगों से फोन करिएगा। हाँ वो एक सेफ स्ट्रेटजी होगी। अगर मान लो लग रहा है कि नहीं अब यहाँ से एक बार और झटका देगा तो आप फिर वहां निकलिएगा, अगर लगता नहीं तो फिर वहाँ पे निकल जाइएगा, क्योंकि बड़ी पोजीशन है आपकी 18,000 शेयर, आपने एक झटके में लिए, थोड़ा थोड़ा करके लिया करिए तो एवरेज सही हो जाता है। अगला सवाल है निर्मल जी का, निर्मल सेठ कानपुर सिटी। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार निर्मल जी, बताइए सर। बस बॉस हमारे पास वो है IRFC, हम उसको चाहते हैं अप टू 200 ₹200 तक बेचना, 800 शेयर है। और एरेडा है, एरेडा हमारे पास 100 है। ओके। उसका रेट हमारा है, उसका रेट हमने दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, 3 शेयर है, तीनों को दिया हुआ है। भाई ये बताओ 3 गुना पैसा हो गया आपका IRFC में, तो अभी तो 4 गुना करना क्यों चाहते हैं यार? मैं नीरज जी ये सब आपकी दुआएं हैं। यार ठीक है, 378 पर शेयर का फायदा हो रहा है IRFC में। जी जी जी। और इरेडा कितने में लिया था? इरेडा में लिया 134 में। हालांकि इरेडा हम पहले लेके बेच चुके हैं। Okay. पहले हमने 40 रुपए के लिए पहले लिया था, उसको बेचा था 100 रुपए में। अच्छा रुको जरा राजेश जी की मदद लीजिए। राजेश जी देखिए पैसा तो अच्छा बन रहा है इनका IRFC में, लेकिन कह रहा नहीं 200 रुपए तक जाए तो बेचेंगे, जाएगा 200 रुपए अभी? 200 रुपए IRFC? ओके हाँ IRFC, मेरे दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। देखिए IRFC का अगर चार्ट है तो 140 का इसका सपोर्ट बनता है, 140-144, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कंसोलिडेट हो रहा है उसके बाद एक मूव मिलना चाहिए कम से कम 170-175 तक। तो ये मेरा इसमें जो बायस है, ये व्यू है, ये पॉजिटिव है, लेकिन एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको 130 का। ओके 130 का स्टॉप लॉस और 175 का टारगेट बन सकता है, याद रखिएगा सेठी जी। अगला जो दूसरा वाला इनका है इरेडा, 134 पे खरीदा इन्होंने। आई थिंक लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई थी नीरज जी, तो ये 135-140 के रेंज में था, तभी हमने होल्ड की सलाह दी थी, और उसका एक पहला रेजिस्टेंस था करीबन 160 का जो हमने डिस्कस किया था। आज मुझे लगता है जिस तरह से 160 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, पूरे चांसेस है कि 185 तक जाए, 180-185। तो आई थिंक इरेडा में जो पोजीशन है उसमें आप बने रहे, स्टॉप लॉस होगा 155 का। 180 पे बेचना है कि वहां रुकना है? नहीं मुझे लगता है रुकना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाँ देखिए वीकली चार्ट है वो बहुत आप कह सकते हैं कि एक प्रॉमिसिंग चार्ट है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है। कंसोलिडेशन होता है, रनिंग करेक्शंस आते हैं, मिड कैप है तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा चौपीनेस ज्यादा होता है, लेकिन मुझे चार्ट में कोई दिक्कत नहीं लगती। इनफैक्ट मुझे लगता है नीरज जी अगर कोई इसे वक्त दे तो फिर से ये 200 को हिट करेगा। तो इसमें जो सपोर्ट बना है ना पोजिशनली 140-150, ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, तो इस बेस से ये पलटा है, तो मुझे लगता है प्रोबेबली ये 200 को एक बार के लिए फिर रीटेस्ट करेगा। तो फॉर मी इट्स अ गुड स्टॉक, यू कैन बाय यू कैन होल्ड। सेठी जी के पास टाइम ही टाइम है ना सेठी जी? थैंक्स राजेश जी, थैंक्स राजेश जी, थैंक यू सर। और नीरज जी आपको भी धन्यवाद। बस सर टाइम दे दीजिए इसको, बढ़िया तो पैसा बनेगा आपका। हाँ, और यस बैंक मैंने देख लिया, अभी आपने बताया वो 18,000 शेयर वाला हाँ ले रखा है क्या? बड़ा अफसोस नहीं। हाँ यस बैंक है, मैंने वो दिया हुआ था उसका भी। कितने भाव पे लिया है? यस बैंक 500 है, नहीं 25 रुपए के भाव से लिया हुआ, उससे तो अभी ऊपर ही है। राजेश जी ने जो बता दिया वो मैंने देख लिया उसको। ठीक है, तो यस बैंक में भी वही अप्लाई होता है जो उनके लिए बताया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, थैंक यू लॉट नीरज जी। जी जी। अगला सवाल है रमेश कुमार का मंडी से। रमेश जी नमस्कार, पूछिए सर। रमेश जी का भाई फोन लगाओ, रमेश जी का फिर से लगाओ फोन, तब तक इधर दूसरे आता। अविनाश जी का सवाल लेते हैं। अविनाश कुमार जी पूछ रहे हैं अडानी पावर 100 ले रखे 620, 3 महीने का टाइम देंगे, बताइए क्या करना चाहिए? देखिए नीरज जी मुझे लगता है कि पावर स्टॉक इन जनरल, आप
कोई भी पावर स्टॉक, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे वो रिवॉर्ड आपको ऑफर नहीं होता एट दिस लेवल। तो अगर कोई पोजिशनली सोचे कि मैं अडानी पावर ले लूंगा या इस भाव पे, तो थोड़े सा मुझे लगता है कि लेट है, थोड़ी रिस्क ज्यादा है। लेकिन फिर भी देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म भी देखें तो 500 का इस 500 510 का लो किया, और अभी सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में ये 640 पे खड़ा है, तो कहीं ना कहीं ओवरबॉट है, कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार के लिए डिप देगा। तो फॉर मी, अगर आपने बहुत ही छोटे समय के लिए लिया है तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 620 का, 620 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 680 का इसका रेजिस्टेंस होगा या आप कह सकते हैं कि टारगेट होगा, ये फिबोनाची टारगेट है। तो फॉर मी स्विंग ट्रेड आप इसमें ले, पोजिशनल के लिए अच्छा खासा डिप मिले तभी जाके एंटर करें। ओके, फिबोनाची के हिसाब से 680 जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइएगा। जाकिर हुसैन अलवर राजस्थान से, जाकिर बताइए क्या सवाल। सर मेरे पास ओरिएंट के 150 शेयर है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ओरिएंट सीमेंट 150। हाँ जी राकेश जी। हाँ जी, 208 रुपए पे। हाँ। देखिए उन्होंने 208 पे लिया है नीरज जी। हाँ। 210 इसका 200 डीएमए है, इसमें करेक्शन हुआ था वो 290-300 से शुरू हुआ 190 तक, तो इतना स्टीप करेक्शन के बाद मुझे लगता है ओवरऑल सीमेंट स्टॉक्स जिस तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ ये एक टेलविंड होता है, तो सब चल रहा है तो ये भी चलेगा। तो कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से पहला रेजिस्टेंस आएगा 235 का लेवल निकलेगा, तो नीरज जी मुझे लगता है कम से कम 250-260 तक की जगह बन रही है, तो ये लेवल बढ़िया है। 210 जो कि इसका 200 डीएमए है, अकॉर्डिंग टू दैट 200 हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और इस बाइंग को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, एक सवाल आशीष श्रीवास्तव को लेते हैं। पीएफसी के 100 शेयर है 423 के भाव पर, एक महीने का नजरिया सिर्फ। एक महीने का, देखिए पीएफसी आरईसी, मैंने कहा ना कि नीरज जी ये ट्रेडर के एक फेवरेट स्टॉक्स है। पीएफसी की पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है 400 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट बेस बन रहा है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस है, और 400 के ऊपर जो स्विंग मिलेगा मुझे लगता है नीरज जी पहला टारगेट होगा 435-440। अगर वो लेवल निकल जाए तो चांसेस है कि 460 तक भी जाए, तो यस पीएफसी इट लुक्स गुड टू मी। अबव 400 तो आपका स्टॉप लॉस आप 400 के नीचे रख दे। अच्छा कुलदीप का सवाल सुनिए आप, इन्होंने HDFC बैंक को 1440 में बेच दिया कैश में एक लॉट, और 3 लॉट फ्यूचर में ऐड किए अप्रैल फ्यूचर 1444 में, कब स्क्वायर ऑफ करना है और कब वापस खरीदना है? देखिए मुझे लगता है कि उन्हें आज जो मुंह मिला, आज का मुंह HDFC बैंक में आप कह सकते हैं कि एक पड़ाव था। जितना जितना मुझे याद है नीरज जी, हमने हर लेवल पे 420-440 हर लेवल पे HDFC बैंक इज अ बाय यही रिकमेंडेशन दिया। अभी ये जो बाय का रिकमेंडेशन कहाँ तक जाना चाहिए, कोई भी चीज कोई भी रैली एक पड़ाव पे आके थोड़ी रुक सकती है, तो ये जो 1530-1535 ये इसका 200 डीमा है। टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं स्पॉट की बात करूं तो स्पॉट में इसका लेवल है 1532। सो 1532 ये इसका 200 डीमा है, तो एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कूल ऑफ हो सकता है, तो ये लेवल जो है ये स्विंग ट्रेडर का एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है। ओके अच्छा, एक निर्भय तिवारी NTPC खरीदना चाहते हैं, किस लेवल पे खरीदें लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए अगर आपको NTPC बाय करना है तो मुझे लगता है आपको कम से कम 340-330 इस रेंज तक वेट करना पड़ेगा। फिलहाल आप देखें कि NTPC में एक मोमेंटम चालू है, एक रैली शुरू है, शॉर्ट कवरिंग थी इनिशियली, बाद में शॉर्ट कवरिंग वाली टर्न हुई जहाँ पे लॉन्ग एडिशन होते गए, तो ये जो रैली चालू है ये अपने एक इम्पोर्टेंट पड़ाव पे है। जो चैनल की हम बात करते हैं ये चैनल के अपर रेजिस्टेंस पे खड़ा है जो करीबन 365 के आसपास है। अगर 365 का लेवल पार कर जाए NTPC तो फिर मुझे लगता है ये 400 को टेस्ट करेगा, 400 की तरफ भागेगा पोजिशनली, बट चांसेस खूब बहुत कम लगते हैं, प्रोबेबली एक डिप मिलेगा 340 तक जहां पे आपको NTPC में री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 340 आए तब खरीदिएगा। वीरेंद्र कुमार उन्नाव से, वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, नीरज जी नमस्कार, राजेश जी को नमस्कार। जी सर नमस्कार, बताओ सर। सर ये SBI बैंक के मेरे पास 100 शेयर थे और 567 के रेट में, तो इसमें मैं प्रॉफिट कब बुक करूं, और दूसरी सलाह मुझे
ये चाहिए थी कि मैंने कल सोनाटा के लिए लिखा था लेकिन वो तो मैंने कल भेज दिए। दूसरा मैं 50,000 रुपए और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ जो प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए? कितने समय के लिए? सर शॉर्ट टर्म की बस 2-3 महीने के लिए में ही मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ सभी शेयरों में करीब करीब। ये SBI है जिसको मैं थोड़े दिन वेट किया, मैंने करीब साल भर करीब रुका हूँ। तो पैसा तो बन गया ना 200 रुपए? जी जी सर, अभी वही मैं पूछना चाहता हूँ इसको अभी कब तक और रोकूं। ओके पूछते हैं राजेश जी, पैसा तो बन रहा है SBI में जी, और रुके ये बेच के प्रॉफिट करें अंदर? देखिए नीरज जी, इट साउंड्स कि ही इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, कि एक 10-20% का रिटर्न आ गया तो मैं निकल गया। तो SBI का देखिए वैसे अगर आप स्ट्रक्चर, तो मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन बड़ा काउंटर है, इसमें वोलेटिलिटी भी होती है, इसमें चौपीनेस भी होता है, उसमें डिप्स भी आते हैं, और जो डिप्स है वो हमेशा बाइंग के लिए यूज होते हैं। SBI की अगर इन पर्टिकुलरली बात करें लेवल्स की, तो 750 के ऊपर मुझे लगता है SBI पॉजिटिव, और सामने रेजिस्टेंस बनता है करीबन 800 का, 790-800। मुझे लगता है अगर आपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है, एक महीने के हिसाब से, तो इस लेवल के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग करें। आपका जो सेकंड सवाल था कि मैं क्या बाय करूं, तो देखिए मेरे हिसाब से आप बंधन बैंक को बाय कर सकते हैं। मैं पिछले, मुझे लगता है 3-4 ट्रेडिंग सेशन से मैं यही कर रहा हूं कि सिटी यूनियन बैंक, RBL बैंक, AU स्मॉल बैंक एंड बंधन बैंक, ये चारों स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें से 3 तो मुझे लगता है निकल गए, सिटी यूनियन बैंक एंड AU स्मॉल बैंक, अच्छी रैली आई, तो अभी बचा गया है बंधन बैंक। मुझे लगता है बंधन बैंक का टारगेट होना चाहिए 220 का। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो बंधन बैंक बाय करें, स्टॉप लॉस होगा 190 का। ओके वीरेन जी, 190 और 220। हाँ जी, बंधन बैंक लगा सकते हैं 50,000 रुपये शॉर्ट टर्म के लिए, और SBI में प्रॉफिट लेना समझदारी है, अच्छा पैसा तो आप बना ही चुके हैं उसमें, है ना? तो ये दो काम आप करिए सर। ओके एक मिनट हमारे पास और है, तो एक सवाल लेते हैं। हमारे साथ राजेश जी जुड़े ही हुए हैं। राजेश जी ये बताओ, आप बहुत सारे बैंकों की बात कर रहे हो, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी कुछ बनता है क्या? 5% ऊपर है आज। नीरज जी ये हमारा मंडे से बाय कॉल है, तो आज बेचने वाला है क्या? मैंने ऑलरेडी दे चुका था 5। अगर इन्होंने हमारे कहने पे लिया है CNBC से आवाज देख के, तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप इसमें बने रहे। इसका आज का रेजिस्टेंस होना चाहिए 645-650, लेकिन इवेंचुअली ये 680 तक जाएगा। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि एक कॉन्ट्रा बाय था, अभी भी होल्ड है, 600 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव होगा, हर डिप पे बाइंग होगी, हर डिप पे बाई है AU बैंक में। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। मार्केट इस समय थोड़ा फिर ठंडा पड़ गया है, 60 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी, बैंक निफ्टी लगी अभी 200 पॉइंट के आसपास मजबूत कामकाज कर रहा है, एडवांस डिक्लाइन अभी भी फेवरेबल है, लेकिन थोड़ा सावधानी रखना जरूरी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।